किसी ने बहुत खूब कहा है, लबों पे तारीफ और सर पे जीत का ताज होता है। आप जैसा अभिनेता सदा वक्त का सरताज होता है। आपकी मौजूदगी पे चमकता ये बॉलीवुड, अरे ऐसा फनकार बना के खुदा को भी खुद पे नाज होता है। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा हीरो जो सिर्फ पर्दे का नहीं रियल लाइफ का हीरो है, जो करोड़ों इंसानों को सपना देखना सिखाया कि अगर मन में ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है, जिसकी कहानी रियल में जीरो से हीरो बनने की है। लेकिन आज हम उनके स्ट्रगलर से सुपरस्टार बनने की कहानी को लेकर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उस सम्मान की जिनके वो हकदार थे, लेकिन अफसोस जो उन्हें आज तक नहीं मिला। लेकिन उन्हें जो मिला है वो दुनिया के किसी भी सम्मान से बहुत बड़ी है, और वो है दर्शकों का बेसुमार प्यार। इसीलिए तो मिठुन दा कहते हैं, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सी कम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सी कम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर ले। आज ये प्रोग्राम जो कोई भी देख रहा है, हो सकता है कि हर कोई मिथुन चक्रवर्ती का फैन ना हो, हर कोई मिथुन चक्रवर्ती को पसंद ना करता हो, लेकिन एक बात पे शायद किसी को एतराज नहीं होगा कि जितने भी बंगाली इस पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और पूरे दुनिया में अपने बंगाल का और देश का नाम रोशन किया है, मिथुन चक्रवर्ती भी उन्हीं में से एक है। ओए कोलकाता री रोके को तो अड्डा मेरे छी, आखुनो की से दिन गुलो भूलते पेरे छी, आज बॉम्बे गिये जीरो थे के हीरो होए छी, ए बंगाली छिला मामी ताई तो रोए छी, बंगाली अमर प्राण, बंगला अमर गान, बंगाली अमर प्राण। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे स्टार थे जो कभी भी पब्लिसिटी के लिए सोशल वर्क नहीं करते थे, जिसलिए उनकी दरिया दिली की बहुत सारे किस्से आज भी हम सबके लिए अनसुने अनजाने ही रह गए हैं। वो जैसे खुद टैलेंटेड थे, उस तरीके से वो भी टैलेंट पहचानने में कभी भी गलती नहीं करते थे, जिस कारण उनका ही हाथ पकड़ के बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन फिल्म इंडस्ट्री में आए और आके अपने अपने फील्ड में कामयाब हुए। मिसाल के तौर पर अनु मलिक और नदीम सवन जैसे संगीतकार। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम मनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। वो खुद बहुत स्ट्रगल करके अपने मुकाम तक पहुंचे थे, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जिस मुश्किलों से लड़के वो आज सुपरस्टार बने हैं उस मुश्किलों का सामना किसी नए स्ट्रगलर को करना पड़े। इसलिए वो दिलीप कुमार और सुनील दत्त से मिलके स्ट्रगलिंग एक्टरों के मदद करने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस तक बनाए। सिर्फ यही नहीं, जहां हर स्टार सिर्फ अपने स्टारडम के बारे में सोचते थे, वहां मिथुन चक्रवर्ती उन टेक्नीशियन लेबर स्पॉट बॉय के लिए सोचते थे
जो कैमरे के पीछे से अपने मेहनत से एक आम इंसान को सुपरस्टार बनाते थे। उन्होंने टेक्नीशियन, लेबर, स्पॉट बॉय को अपना भाई समझा, उनके साथ डट के खड़े रहे, उनके हर मुश्किल में उनका साथ देने के लिए वो फिल्म स्टूडियो सेटिंग एलीट के मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट तक बने, ताकि कोई भी मजदूर भूखा ना सोए, कोई भी अमीर गरीब का पेट ना मार सके। महाभारत के दुर्योधन को आज कौन नहीं जानता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दुर्योधन मतलब पुनीतीश्वर को काम के लिए दर दर भटकना पड़ता था और कोई भी उन्हें काम देना नहीं चाहता था। दरअसल कुली फिल्म के शूटिंग के दौरान पुनीतीश्वर की वजह से अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे और अमिताभ बच्चन जी के ना चाहते हुए भी पूरे इंडस्ट्री ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ही वो पहले शख्स थे जिन्हें यह लगा कि कुली फिल्म के दौरान जो कुछ भी हुआ है वो महज एक हादसा है और हादसा किसी से भी हो सकता है, लेकिन इसलिए किसी कलाकार को बॉयकॉट करना कभी भी सही नहीं हो सकता है। उन्होंने पुनीतीश्वर की मदद की, उन्हें काम दिलवाया और उन्होंने कोशिश की कि पुनीतीश्वर को इस बात का पता ना चले कि उन्हें काम मिथुन चक्रवर्ती की वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से पुनीतीश्वर की स्वाभिमान को चोट पहुंचे। ये सारे किस्से पुनीतीश्वर जी ने अपने ही एक इंटरव्यू में बताया है और ये भी बताया है कि उसके बाद उन्हें इंडस्ट्री से काम आने लगे और एक के बाद एक वो काम करते चले गए, लेकिन इसकी शुरुआत जिसने की थी वो थे मिथुन चक्रवर्ती, जिसलिए वो आज भी उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। बहुत जन को ही पता है कि मिथुन चक्रवर्ती एक अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन एक्टर बनने की वजह से उन्हें फुटबॉलर बनने का सपना छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद फुटबॉल की तरक्की के लिए फुटबॉल क्लबों को और गरीब प्लेयर्स को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, वो सब उन्होंने किया जो उनके लिए पॉसिबल था, लेकिन कभी भी इस चीज़ का प्रचार वो नहीं किए। टॉप में रहते हुए हर स्टार जब लंदन अमेरिका में लाइव शो करके करोड़ों रुपए कमाते थे, तब मिथुन चक्रवर्ती देश के कोने कोने में जाके छोटे बड़े सब क्लब के स्टेजों में खड़े होके थैलासेमिया के खिलाफ आम इंसानों को जागरूक करते थे और एज ए मिथुन चक्रवर्ती जो भी अनुदान उन क्लबों से मिलता था वो पूरा पैसा दे देते थे थैलासेमिया फाउंडेशन में। मिथुन चक्रवर्ती अंकित टीएमटी बार के ब्रांड एम्बेसडर थे, ये सबको पता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो उनका मेहनताना बनता था वो पूरा अमाउंट वो दे देते थे थैलासेमिया फाउंडेशन में। मुझे भी ये बात पता चला अंकित टीएमटी बार के एक डीलर से, ये जान के मुझे कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि एक वही तो है जिनसे ये उम्मीद की जा सकती है। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के अपने काम को ताक पर रख के जो जंग उन्होंने थैलासेमिया के खिलाफ किए थे और आखिर तक जीते भी थे, जिसके गवाह हम सब हैं, जो शायद चाहते हुए भी भुला पाना नामुमकिन होगा हम सब के लिए। सिर्फ थैलासेमिया ही नहीं, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य वो करते रहे सालों साल, कितने ही अनगिनत अनाथ बच्चों के परवरिश से लेकर गरीबों का मुफ्त इलाज तक करवाते रहे और मीडिया को भनक तक पहुंचने नहीं दिया। मिथुन चक्रवर्ती की दरिया दिली की हर कहानी अगर आपको सुनाना चाहें तो एक एपिसोड क्या, 100 एपिसोड भी कम पड़ेंगे उनके दरिया दिली के सामने। चलिए अब बात करते हैं एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की, कि उन्होंने एज एन एक्टर ऐसा क्या किया है जो उन्हें बाकी सब एक्टरों से अलग मुकाम पे खड़ा करता है। तो सुनिए, मिथुन चक्रवर्ती ही एक ऐसे भारतीय अभिनेता है जिनकी फिल्म डिस्को डांसर एज ए इंडियन फिल्म पहली बार वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कारोबार किया था। आज से तकरीबन 40 साल पहले 100 करोड़ का मतलब बाहुबली और दंगल का जो टोटल बिजनेस अमाउंट है उससे कई ज्यादा बड़ा अमाउंट।
मिथुन चक्रवर्ती ही इंडिया के एकमात्र ऐसे कलाकार है जिन्हें अपने पहले ही फिल्म से बेस्ट एक्टर का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मिथुन चक्रवर्ती को टोटल 3 नेशनल अवार्ड मिला है। पहला नेशनल अवार्ड एज एन एक्टर मिला उनकी पहली फिल्म मृगया से, दूसरा मिला एज एन एक्टर ताहदर कथा नाम की एक बंगाली फिल्म से, तीसरी और अभी तक की आखिरी नेशनल अवार्ड मिला एज एन सपोर्टिंग एक्टर स्वामी विवेकानंद फिल्म से। मिथुन चक्रवर्ती ही एक ऐसे एक्टर है जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एज ए हीरो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म रिलीज होने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड है एज ए हीरो सबसे ज्यादा फिल्म करने का, यहां तक कि एज ए हीरो सबसे ज्यादा हिट देने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पे है। 80s से 90s के बीच में वो कई बार हाईएस्ट टैक्स पेयर भी बने और जिनके लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। गुइनिया बिशाओ नाम की पश्चिमी अफ्रीका के एक देश में उनके सम्मान में उनके नाम का पोस्टल स्टैम्प तक निकला है। कजाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, सोवियत यूनियन, रशिया में आज भी उनके इतने फैन हैं जो देख के आज के सुपरस्टार खुद को स्टार कहने में भी सर महसूस करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज भी डिस्को डांसर रशिया में चल रहा है और आज भी मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी रशिया में किसी भी रशियन एक्टर से बहुत ज्यादा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मिथुन चक्रवर्ती का ये अचीवमेंट, ये सक्सेस सब कुछ सालों साल तक सामने नहीं आ पाया, सिर्फ कुछ ए ग्रेट प्रोडक्शन हाउस और उनके कंट्रोल में रहने वाले मीडिया की वजह से। हाँ, जरूर एक पॉलिटिकल कारण भी था, लेकिन उस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। मीडिया शुरू से ही उनको अवॉइड करता रहा और उन्होंने भी कभी मीडिया की चापलूसी नहीं की, क्योंकि चापलूसी तो वो लोग करते हैं जिनको खुद पर भरोसा ना हो, लेकिन जो इंसान खुद लाखों करोड़ों इंसानों के दिल में सेल्फ कॉन्फिडेंस का बीज बोया हो और जिनके साथ लाखों करोड़ों इंसानों का प्यार, भरोसा और दुआ शामिल हो, उनका तो मीडिया के सामने सर झुकाने का सवाल ही नहीं पैदा होता और इसलिए उन्होंने भी कभी मीडिया के सामने अपना सर नहीं झुकाया। 80s में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन को एक इंच भी जमीन नहीं छोड़े थे मिथुन चक्रवर्ती ने उनके स्टारडम के बागीचे को हरा भरा करने के लिए। किसी किसी का यह भी मानना है कि पूरे 4 डिकेड में अकेले मिथुन चक्रवर्ती ही थे जिन्होंने 80s में अमिताभ बच्चन को भी स्टारडम के मामले में कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती को वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पार्शियलिटी और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हर चीज पे भारी पड़ जाता है। कोई सोच भी नहीं सकेगा स्टार ऑफ द मिलेनियम अवार्ड्स में जब हर डिकेड से बेस्ट एक्टर चुना गया तब 80s के डिकेड्स में मिथुन दा का नाम नॉमिनेशन में ही नहीं था और 80s के डिकेड्स का बेस्ट एक्टर बने अनुपम खेर। व्हाट ए जोक। दिस इज कॉल्ड पार्शियलिटी, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, जो हर समय मिथुन चक्रवर्ती के साथ होता आया है। लेकिन वो फिर भी कभी मन छोटा नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है जितना भी कमा लेता हूं खुश हूं, 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। कुछ साल तबीयत खराब होने की वजह से वो जरूर फिल्म इंडस्ट्री से दूर चले गए थे, लेकिन उनके सैकड़ों फैनों की दुआओं से वो पूरे फिट होके फिर से वापस आ गए हैं और काम कर रहे हैं हम सबको एंटरटेनमेंट करने के लिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते, वैसे भगवान भी अपने भक्त को छोड़कर कभी नहीं जा सकते, और अगर चले भी गए तो उसे फिर से लौटना पड़ता है अपने चाहने वालों की चाहत की वजह से। मैं तुझे छोड़ के
कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। आज का प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार, सोशल वर्कर क्या लायक नहीं थे भारत रत्न जैसे सम्मान के लिए? मैं भारत रत्न का बात छोड़ ही दे रहा हूं, कम से कम पद्मश्री पाने के लिए फैसला आप लोग कीजिए, मैंने तो सिर्फ अपना राय दिया है। फिर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से अगर मिथुन चक्रवर्ती जैसे लेजेंड को उनका हक का सम्मान नहीं मिले तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हक का सम्मान प्यार बन के धड़क रहा है दुनिया के करोड़ों इंसानों के दिल में। ऐ दुनिया तुझको सलाम, तूने मेरा नाम भुला दिया था। ऐ दुनिया तुझको सलाम, तूने मेरा नाम भुला दिया था। भूले से सही तूने मुझको याद किया, तेरा शुक्रिया ओ तेरा 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 शुक्रिया।